महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त शोक का माहौल है। दरअसल महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और शिवसेना के दिग्गज नेता मनोहर जोशी का 23 फरवरी को दिल का दौरा आने से निधन हो गया है। महाराष्ट्र की राजनीति में उनका अहम योगदान रह चुका है। चलिए जानते हैं उनके सफर के बारे में, कैसे वो शिक्षक से मुख्यमंत्री और फिर लोकसभा स्पीकर बने। नमस्कार, मैं हूं मंटू और आप देख रहे हैं खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 2 दिसंबर 1937 को महाराष्ट्र के महाड़ में मनोहर जोशी का जन्म हुआ था। उन्होंने प्रतिष्ठित वीरा माता जीजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट से सिविल इंजीनियरिंग से बैचलर डिग्री की थी। जोशी का स्वास्थ्य मई 2023 से ही नाजुक चल रहा था। दरअसल उस समय उन्हें ब्रेन हैमरेज हुआ। डॉक्टरों को उनके ठीक होने की बहुत कम उम्मीद थी, लेकिन बाद में कुछ समय के लिए उनका स्वास्थ्य ठीक रहा। पिछले दिन जब उन्हें दिल का दौरा आया तो उन्हें हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांसें ली। टीचर से सीएम बनने का सफर। मनोहर जोशी ने अपने करियर की शुरुआत टीचर के रूप में की थी, जिसके बाद वो काफी समय तक आरएसएस से जुड़े हुए थे। 1966 में शिवसेना की स्थापना हुई, जिसके बाद वो शिवसेना से जुड़ गए और उसी पार्टी से उन्होंने सीएम से लेकर लोकसभा स्पीकर तक का सफर तय किया। बता दें, वर्ष 1976 से 1977 तक जोशी मुंबई के मेयर भी रह चुके हैं। इसके बाद साल 1995 की बात है, जब महाराष्ट्र में शिवसेना और भाजपा की गठबंधन सरकार बनी और तब उन्हें सीएम बनाने का फैसला लिया गया, जिसके बाद वो 1999 तक 4 साल के लिए सीएम बने रहे। सीएम बनने के बाद जोशी को साल 2002 से 2004 तक केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान लोकसभा स्पीकर बनाया गया। मृत्यु के बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके मटुंगा के घर ले जाया गया, जिसके बाद शिवसेना पार्क श्मशान में उनका अंतिम संस्कार किया गया है। वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म।